ऑफ अ ले टू मनाली रोड ट्रिप। हमने पहले सोचा था कि हम एक ही पार्ट में इसको कर देंगे ले टू मनाली, बट व्हेन वी सॉ आवर ट्रिप वी कुडंट कंप्लीट दिस इन वन ब्लॉग, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है। सो दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस पार्ट ऑफ एंटायर ट्रिप, और हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया है। वी डिडंट वांट टू मिस एनी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोड ट्रिप, क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को देखा है लोग मनाली से ले ट्रैवल करते हैं, ले से मनाली में बहुत कम लोगों को देखा है। और ये जो रोड है ये पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है, दैट इज सेड कि दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रिप। तो ले से हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया, ले से हमने गाटा लूप से कर लिया है, जिसमें हमने 3 पासेस क्रॉस कर लिए हैं, तांगलांगला कर लिया है, लाचुंगला कर लिया है और नकीला कर लिया है। एंड नाउ विल बी डूइंग फ्रॉम गाटा लूप टू सरचू, तो ये जो सेकेंड पार्ट है गाटा लूप से सरचू तक का है। और यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो इतना ज्यादा चेंज होता है कि अभी आपको सनशाइन दिखेगा और एकदम से स्नोफॉल जैसा माहौल हो जाएगा यहाँ पर। और इतने एल्टीट्यूड पे है तो ऑक्सीजन लेवल का तो प्रॉब्लम होता ही होता है। सरचू माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर रात को स्टे करता है वन हैज टू वेरी केयरफुल व्हाइल स्टेइंग देयर। तो आप जब भी इस ले से मनाली, मनाली से ले के लिए निकलते हैं, आप लोग टाइमली निकलिए जो भी रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि हम लोग श्रीनगर से आए हैं, तो श्रीनगर से आप जब ले के लिए आते हो तो एटलीस्ट वो जोजिला पास माना जाता है कि मोस्ट डेंजरस रोड है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट आपको आर्मी दिखती है, लोग दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं। सो कोई प्रॉब्लम हो जाता तो वो फिर भी आप उसको सॉल्व कर लोगे, आप निकल जाओगे। बट ये जो पार्ट है ले से मनाली तक का, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप जब ले से निकलेंगे, मतलब जो पहले जो मिलेगा वो पांग मिलेगा, तो वहाँ पे भी बहुत कम रेस्टोरेंट्स है, बहुत कम होम स्टेज मिलेंगे आपको, और फिर उसके बाद में आपको सीधा सरचू मिलता है। फिर आपको जिसमें कोई नेटवर्क नहीं है, कोई खाने पीने का आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, तो ये 2-3 जगह है। तो हमने सब कुछ कवर किया है कहाँ कहाँ रुक सकते हो, कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो यू वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रिप ले से, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर ये सच्चाई है, हमने किया है ये। और अब अच्छा मैं आपको गाटा लूप्स बता रही, गाटा लूप्स अब हम लोग जो ये पार्ट कवर करेंगे, विल कवर दिस इन सेकंड पार्ट गाटा लूप्स टू सरचू। तो गाटा लूप्स की जो स्टोरी है, इट सेड दैट ये जो पार्ट है नकीला पास के बाद का ये गाटा लूप्स के, इट्स हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। ये स्टोरी काफी साल पहले यहाँ के लोग जो लोग बताते हैं कि एक ट्रक आया था मनाली से लेह के लिए। सो उस ट्रक में एक क्लीनर था एंड ड्राइवर वॉज देयर, और ट्रक यहाँ पर आके ब्रेक डाउन हो गया था 22nd टर्न के आसपास, 21st टर्न के आसपास, एंड वॉज लोडेड। तो जो ड्राइवर थे वो चले गए थे आसपास गांव में हेल्प लेने के लिए, एंड क्लीनर वॉज ट्रक देयर क्योंकि सामान था उसमें। और उसके बाद में उसमें यहाँ पे वेदर कंडीशन एकदम से चेंज हो जाती है, तो वेदर कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पे, तो ड्राइवर गॉट स्टक इन द विलेज एंड क्लीनर गॉट स्टक इन द ट्रक। तो ड्राइवर 8-10 दिन के बाद, क्योंकि 8-10 दिन के लिए पूरा वेदर खराब हो गया, तो वो ड्राइवर आए वहां से एंड ही फाउंड द क्लीनर डेड इन द ट्रक। तो उसको वहां के जो गांव वालों ने उनको वहीं बरी कर दिया, फिर ड्राइवर उस ट्रक को लेके वहीं गांव में चले गया। उसके बाद में जो भी वेदर कंडीशन ठीक हुई उसके बाद में उस ट्रक को वहां से ठीक करा के निकाला गया। और जब नेक्स्ट सीजन आया तो वहां पे लोगों ने एक यंग लड़के को उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे पानी मांगते हुए पाया, वो जो भी ड्राइवर वहाँ से निकलता था, जो भी गाड़ी वहाँ से निकलती थी उसे वो यूज वाटर फ्रॉम दैट ड्राइवर। तो फिर लोगों को समझ में आया कुछ गड़बड़ है, द सेम पर्सन जिसकी डेथ हो गई थी और जो बरी यहाँ पे किया गया है। तो जो अपने यहाँ होता है कस्टम में वहाँ पर इसका मंदिर बना दिया गया, इसका आपको शांति मिली, और बोला गया कि जो भी यहाँ से निकलता है उसे पानी ऑफर करो, और अगर नहीं कोई करता है तो उसका कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो लोग वहाँ पे जो भी यहाँ से निकलते हैं उसको एक मिनट वाटर ऑफ दे के जाते हैं वहाँ पे उस मंदिर पर। अच्छा जो हमारे साथ हुआ है, हम लोग तो ये था, हम लोग जल्दी निकल आए थे एंड वी वांटेड टू रीच मनाली एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एंड वी वर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो, हमने यहाँ पे देखा भी कि ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पानी की बॉटल्स हैं, एंड वी सॉ वन पर्सन इस एल्टीट्यूड पे 16,616 एल्टीट्यूड है आई थिंक, वहाँ पर एक इंसान, वहां पे कोई व्हीकल नहीं दिखा मुझे आसपास, वो वॉक कर रहा है, दैट नॉर्मल वॉक है, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है।
इसका पूरा ढका हुआ था सर से लेके पूरा, तो वी कुड सी द फेस। और वो पहले हमें लगा कि शायद जो स्टोरी हमने सुनी है वो पानी ऑफर करने जा रहा हो, बट ही डिडंट हैड एनी वाटर बॉटल ऑल्सो विद हिम, और आई डोंट नो वेदर इट वाज शी और ही। ये सच में इंसान भी हो सकता है, या मतलब हमें ऐसा लगा कि इस एल्टीट्यूड पे आप इतने आराम से वॉक कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो निकलने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेदर का मतलब इतने एल्टीट्यूड में आपको वैसे ही थोड़ा सा आप चलते हो तो उसमें आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और इस ट्रेन में ऐसे आराम से चलना, तो दैट वाज अनॉर्मल। तो ये हमें लगा मतलब हो सकता है वो नॉर्मल इंसान ही हो, लेकिन कहाँ से आया वो, कोई व्हीकल नहीं दिखा हमें, कोई आसपास में कोई गांव भी नहीं था, गांव का आदमी नहीं लग रहा था वो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या था, फिर हम उसको ढंग से देख नहीं पाए। आप देखोगे विजुअल्स में कि कौन है कैसा है वो, तो कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों को जो लगता है आप हमें बताइए कि क्या था, और ये जो स्टोरी हमने सुनी है आपने कोई अलग स्टोरी सुनी है तो वो भी हमें बताइएगा कि क्या है यहाँ का सब कुछ। हम लोग यहाँ से निकल आए हैं सही सलामत, बस प्रॉब्लम ये कि सिर्फ चार टायर्स हैं हमारी गाड़ी में, देयर इज नो स्पेयर टायर विद अस, तो प्रे करते हो बस हम लोग आगे निकले जा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इवन वी विल बी स्टक और कुछ अनहोनी ना हो। सो द तो अभी गाटर लूप क्रॉस करना है एंड वी हैव टू रीच सरचू। तो जो सरचू से पहले का जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा खराब, जो हमें बताया गया है जो मनाली से लोग जो आए हैं कि वहाँ पर कोई रोड नहीं है, यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन। तो आप देखिए हमारे इस ब्लॉग में कि हमने ये क्रॉस कैसे किया है। सो बी विद अस एंड एंजॉय योर ट्रिप। So these are 21 hairpin bends which forms Ghata loops. यही एरिया है which is haunted by ghost. और आपको लास्ट अगर ब्लॉग देखा होगा आपने तो this is where we left and now we'll continue from here only. So we'll continue our blog from this place only. और आप देख सकते हो वहाँ पे water bottles हैं, that's the temple. And we told you about the person who is walking. और आप देख सकते हो जो एक वो कौन है वो मुझे नहीं पता है, हमें बस देखिए और हमें कोई vehicle नहीं दिखा है। मैंने last blog में भी आपको बताया, आप देख सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक का, यू विल नॉट सी इवन अ सिंगल व्हीकल, कोई बाइक नहीं है, कोई कार नहीं है, दिस इज द पर्सन हु इज वॉकिंग एज ए, मतलब आराम से वॉक करते हुए जा रहे और चेहरा ढका हुआ है, सो यू कांट सी हिज और हर फेस ऑल्सो। और उनके हाथ में कोई वाटर बॉटल नहीं है कि वो कोई ऑफर करने जा रहे हों। आई डोंट नो क्या है ये सब कुछ, अगर किसी को समझ में आता है, किसी ने कुछ ऐसा देखा है इंसिडेंट, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। But this part of our trip was very scary. अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे, और किसी को भी स्टोरी के बारे में कुछ पता हो या ऐसा कुछ किसी साथ में हुआ है तो प्लीज़ लेट अस नो। इट्स वेरी स्केरी। और हमने इस इंसान को, इंसान है क्या है अब तो कोई हमें बताएगा कि क्या हो सकता है। हमने ट्रक भी देखा था जस्ट बिफोर दिस, पांच मिनट पहले हमने ट्रक भी गिरा हुआ देखा था। तो ये एरिया है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत डरावना है, बस यहाँ से निकलते हैं। उस इंसिडेंट को भूल के आगे निकलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा है और आप देख सकते हो रोड्स बिल्कुल रफ हो चुके हैं, नाउ देयर आर नो टार रोड्स हियर। जब हम लोग ले में थे तो वहाँ पर एक कपल आया हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि वो मनाली से आए थे कि यहाँ पर कुछ टाइम लिए ट्रैफिक भी रोक रहे हैं कि ट्रैफिक मूव करने के लिए, और एक पैच तो बिल्कुल ही ख़राब है, देर इज़ नो रोड देयर। सो नाउ सच इज 29 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो वी स्टिल हैव टू ड्राइव 29 किलोमीटर्स, और ये है पर मेन सी चल रहे हैं अभी यहाँ पर।
अब यहाँ पर कुछ बाइकर्स दिख रहे हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, दे आर रेस्टिंग हेयर, क्योंकि इतना लंबा आप रास्ता तय करके आते हो, सो यू नीड अ ब्रेक। बट वो कुछ डिफरेंट था, बिकॉज दैट वॉज द ओनली पर्सन विदाउट एनी व्हीकल ऑल्सो, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा है हमें। अभी भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ है, कहीं ऑफ रोड हो जाता है, कहीं तार रोड आ जाता है, और अभी ये नया ब्रिज बन रहा है, पुराना ब्रिज भी है चल रहा है। Can you imagine football at an altitude of 16,256? तो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, आई थिंक वही है जो यहाँ पर अपना रिक्रिएशन भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सो इट लुक्स नाइस कि आप जहाँ भी हो खुश रहे। हम जैसे लोग जब यहाँ आते हैं तो 10 मिनट के लिए अगर बाहर खड़े हो जाएं तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू दिस पीपल जो यहाँ पे काम भी करते हैं और खेल भी रहे हैं। अगेन ये कोई रैली दिख रही है मुझे, तो बहुत सारे व्हीकल्स आए हैं एक साथ। तो आप देख सकते हो रोड बिल्कुल खत्म है, यहाँ पे ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुका है। सो देयर इज नो टार रोड, और ये काफी लंबे डिस्टेंस के लिए ऐसा है जहाँ पे कोई रोड नहीं मिलेगी आपको। You have to go in this dust storm only. This is like sand only. पता नहीं क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। जो रोड है वो पूरा उखाड़ के रखा हुआ है, एंड यू हैव टू गो ऑन दिस ऑफ रोड। नया रोड बना रहे हैं, बन रहा होगा, बट देयर शुड बी सम अल्टरनेट, थोड़ा सा तो होना चाहिए जहाँ पे कि आप निकाल सको जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या जिन्हें पता नहीं है रास्ते। तो आप देख सकते हो पूरा रोड उखड़ा पड़ा हुआ है। खैर, कुछ तो प्लानिंग होगा, और जब प्लान करते हो तो आप थोड़े लंबे टाइम के लिए करते हो, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा टफ रास्तों से निकलना पड़ता है। सही में रोड पूरा निकाल के रखती है, बट रोड निकाल के रखने का मीनिंग क्या है?
तो नया कुछ बना रहे हो तो उसको तो स्पीडली करो, अल्टरनेट पहले बनाओ। तो हमें फर्स्ट ट्रैफिक जाम मिला है क्योंकि यहाँ पे रोड मेंटेनेंस की वजह से ट्रैफिक रोका हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रैफिक जाम, अदरवाइज अभी तक हमारा स्मूथ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रोड खराब था रोड अच्छा था, वी हैड अ लाइक गुड रोड ट्रिप टिल नाउ। और हम लोग सब कुछ निकालते हुए आए हैं, हमारा अभी टायर अभी तक सही सलामत है। वो बोल रहे हैं सोर को टच करने की जरूरत नहीं थी, तो वाइडन करना होगा इसलिए वो फाड़ गए अच्छे से। क्या गाड़ियों के कलर हो गए गाड़ियों के, ये अपना कैमरा ऑन करके आए कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे मेजर रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, शायद ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में सबको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आई कैन से यहाँ से जाने के लिए, बट आई थिंक इन द स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स इट विल टेक 2-3 इयर्स जब तक ये रोड बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाती, एंड देन आई थिंक पीपल विल एंजॉय कमिंग फ्रॉम मनाली साइड ऑल्सो। एंड जिस तरीके से हम लोग आए हैं लेह से मनाली जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वही ना हमने बहुत एडवेंचर किया है, हमने इतना ऑफ रोडिंग किया है, हाँ बस कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए व्हीकल में, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है। बारिश है बहुत तेज, तो ठीक है डामर की रोड आ जाएगी जब तक मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो रोड को वाइडन किया जा रहा है, तो जब वाइडन करेंगे तो आई थिंक इसलिए उन्होंने रोड को उखाड़ा भी हुआ है जो पुराना रोड होगा। अब ये तो हम अपने मन से बोल रहे हैं, अब उनका क्या प्लान है दे नो इट बेटर, बट आई थिंक कमिंग 3-4 इयर्स दीज रोड्स विल बी गुड। द मैन मेड डस्ट स्टॉर्म हो चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बस हम लोग निकलते जा रहे हैं, कोई रोड भी नहीं है, तो वी हैव टू फिगर आउट आवर ओन पाथ कि हमें कैसे निकलना है यहाँ से। तो निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे पहुँचते हैं। यार ये क्या कर रखा है, फर्स्ट टाइम मेरे को दिख नहीं रहा है, ओ दिख गया।
यार ये तो स्ट्रेट यहाँ से यहीं से ही निकाल दो। दिस इज अल्टीमेट रैली। बिना रोड्स के ड्राइविंग लेफ्ट ओ हरीज नाउ we have almost reached now where to go right or left This is different. आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा रास्ता, खुद ही जानी पड़ेगी गाड़ी। लेके ले लूं या इसी पाथ को ले लूं? दीज आर सर्चुटेंट्स। हालत खराब हो जाएगी रात में। थोड़ा सा गया कुछ पानी दूं क्या? अगेन ये वाला जो स्ट्रेच था फ्रॉम गाटा लूप्स टू सरचू, दिस वाज रियली टफ क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था विवेक को, तो मैं बार बार मतलब बहुत स्लो, एक तो स्लो तो हो ही चुका था, स्लो आपको रहना भी चाहिए इस तरीके के टेरेन में, तो दैट इज फाइन। बट लेट्स सी अब आगे कैसा है, क्योंकि इसके बाद आगे अब 12 लाशरा आएगा एंड दैट इज दैट विल बी वेरी टफ, क्योंकि आप वेदर देख रहे हो, वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है और 12 लाशरा का तो वैसे भी वेदर बोला जाता है बहुत खतरनाक होता है। सो नाउ वी हैव रीच सरचू और आप देख सकते हो गाड़ी की हालत कैसी है, थोड़ा सा क्लीन करेंगे इसको जिससे कि हम थोड़ा आगे निकल सके। सो विल टेक अ ब्रेक हियर, विल हैव सम मैगी चाय हम लोग यहाँ पे लेंगे एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू मनाली। तो देखते हैं वहाँ पर हम कैसे और कब पहुँचते हैं।
we have stopped at one restaurant. And in case someone wants to take break, one can take break here in Sarchur. Advisable नहीं है क्योंकि यहाँ पे again बहुत ज़्यादा temperature dip हो जाता है, oxygen level का यहाँ पे बहुत problem है. तो कोई बहुत ज़्यादा emergency हो then only one should take night halt here. हाँ मतलब क्योंकि इधर उधर जाने से तो अच्छा है कि आप यहाँ पे night halt ले लें. Yes, so we have reached Sarchu और आपने देखा हम लोग कितने dust storm से निकले हैं. तो it wasn't easy at all. तो BRO की तारीफ करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर उन्होंने लद्दाख में. बट अगेन जब भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है जहाँ पे कोई रोड नहीं है, तो क्योंकि जो डेली के जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो ठीक है, बिकॉज दे नो हाउ टू ट्रैवल ऑन दिस और कैसे क्या निकालना है, क्या रोड है, वो कर सकते हैं. बट जो फर्स्ट टाइमर है या जो हम जैसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कैसे क्या निकलना है, कहाँ पे गड्ढा आ जाएगा, कहाँ पे ज्यादा पानी है, कहाँ पे ज्यादा डस्ट है, तो कहीं कोई गाइड करने वाला होना चाहिए. बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस एट ऑल. हम लोग बस पहुंच गए हैं यहाँ पे और अब हमारे साथ मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्पेयर टायर नहीं है. तो हमें ज्यादा इसलिए शायद मैं इतना ज्यादा बोल भी रही हूँ क्योंकि अगर रोड्स अच्छी हो जाएंगी तो फिर ये एडवेंचर भी नहीं रहेगा, फिर आप तो आराम से निकल के आ जाओगे. सो यस, वी हैव डन दिस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क अस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी सर्चू टू जिस्पा विच इज अगेन वेरी डेंजरस. तो आप रहिए हमारे साथ, देखिए हमने अब वाला पार्ट कैसे किया है. Thank you for watching.